और गाइस नाजो ने उतारी है सिस्ट्रोलॉजी के पापा की नकल, वो भी आप देखें कैसे नाजो ने उनकी पिक्चर को रिक्रिएट किया है, वो भी आप लोग देखें आपको बहुत अच्छी आएगी। नाजो कह रही है अंकल ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो आपको करना पड़ा, मैं यहाँ पे एडिट कर रही हूँ वो देखें आप लोग। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर लाइफ ऑफ नुजहत यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, मज़े में होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से हम दोनों और हमारे बच्चे और फजल और उस्मान भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक नहीं हूँ आज, आप क्या बोल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। ओके वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ आज, मैं बहुत 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 अपसेट हूँ, बहुत इमोशनल ये व्लॉग है क्योंकि मैंने जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने अम्मी को नहीं छोड़ा। हाँ 2 साल के लिए शायद मैं इसरा चली गई थी, शिफ्ट हो गई थी हैदराबाद में ही, लेकिन वो भी मैं डेली आती थी हाँ। रात को चली जाती थी। तो कुछ कहानी यूँ है, मैं आपको बताती हूँ, कहानी यूँ है कि अम्मी जा रही हैं हैदराबाद छोड़कर, किसी वजह से अम्मी को हैदराबाद छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो अम्मी जा रही हैं हैदराबाद छोड़कर और मुझे इतना दुख हो रहा है मैं बिल्कुल अभी रोने वाली हो रही हूँ, मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो रही है, अम्मी को भी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अम्मी को हैदराबाद से अच्छा कोई भी शहर नहीं और लगता है। ना मेरा हुकूम का साथ बहुत था और बच्चे मेरे बहुत, मतलब मुझे याद आएंगे, मेरा दिल नहीं लगेगा। बस अम्मी भी बहुत रो रही हैं, बहुत अम्मी का दिल ख़राब हो रहा है और मेरा भी हो रहा है क्योंकि हम दोनों का साथ बहुत है, हम दोनों नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर, भले हम लड़ते 5 दिन बात नहीं करते 3 दिन नहीं करते लेकिन फिर हम लोग साथ ही होते हैं। अभी भी मेरा कुकू का फ्लैट बराबर है। हाँ मैंने अम्मी के लिए वजह से ही अम्मी के साथ लिया था बिल्कुल, जबकि मुझे उस टाइम महंगा भी मिला था लेकिन मैंने कहा था मेरी अम्मी बराबर में, तो अब बस बहुत हम लोग इमोशनल हो रहे हैं। कोई बच्चा होता है अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, तो ये मुझसे बहुत प्यार करती है, बाकी तो सब अपने घर वाले माशाल्लाह से, लेकिन अब अम्मी जा रही है किसी वजह से, तो बस अम्मी को बहुत दिल अम्मी का दुख रहा है। लोगों ने सारी पैकिंग की अम्मी की, सारी चीजें रखी, बहुत हम लोग उदास हो रहे थे। दिया किराए पे एक महीने से मैं रह रही थी, अम्मी ने घर तो रेंट पे दे दिया था। और गाइस जो लोग बोलते हैं सोनिया व्लॉग में नहीं आती, तो सोनिया दुबई चली गई है, उसके वहाँ पे कुछ काम थे, कुछ चीज़ें थी, उस वजह से वो दुबई चली गई इसलिए वो व्लॉग में नहीं आती है। और उसकी एक अपनी लाइफ है, नाजो की एक अपनी लाइफ है, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में, पहले एक साथ थे तो व्लॉग में आ जाते थे, अभी नहीं है, जब होंगे इकट्ठे फिर इंशाल्लाह वो व्लॉग भी अच्छा सा बनाएंगे, सब हो जाएंगे इकट्ठे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ अम्मी अब्बू मैं रहते हैं साथ, तो बस अम्मी से बहुत ज्यादा अम्मी अब्बू की बहुत मुझे याद आएगी, बहुत ज्यादा मैं इस टाइम आपको कंट्रोल कर रही हूँ। चली जाऊंगी तो फिर कुकू कैसे रहेगी, छोटी छोटी 2 बच्चियां रह तो सब लेते लेकिन एक अटैचमेंट बहुत होती है, प्यार है बहुत इस वजह से। बस अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने आज क्या क्या शिफ्टिंग की है, जब तक आप लोग जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अम्मी बहुत उदास हो रही है, बस अल्लाह अम्मी को सबर दे और हिम्मत दे नए शहर में जाके रहने की। मेरा हैदराबाद छोड़ के जाने को दिल नहीं करता है, मुझे हैदराबाद से प्यार है, लगाव है, सब कुछ है, बड़े यहीं पे हुए ना, मतलब नहीं मतलब छोड़ मेरा सकते, दिल बिल्कुल नहीं आप जा अपने रहा है। रूट्स को नहीं छोड़ सकते, मुझे भी हैदराबाद के अलावा कोई भी शहर अच्छा नहीं लगता है। और फिर है ना अपने घर से ज्यादा प्यार भी हो जाता है, वो भी छोड़ने को दिल नहीं करता है। बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है, बहुत अम्मी को बुरा लग रहा है और अभी अब्बू की भी तबीयत बहुत खराब हो गई, अब्बू को बैठे बिठाए बेचारे को इतने चक्कर आए। देखे अम्मी कैसी हो रही है, देखे रो रो के अम्मी ने अपना हाल, जैसे बच्चे नहीं होते ऐसा लग रहा है अम्मी की शादी हो रही है। चले गाइस स्ट्रेस से ना मेरे भी देखे सारे दाने चेहरे पे भर गए, चले चलते मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम क्या बना रहे हैं और क्या आज हमने ड्राइंग रूम में किया है। और वो कार अम्मी के लिए मैंने मंगवा ली है जाने के लिए, चले दिखाती हूँ। तो ये कार अम्मी के लिए मैंने मंगवा ली है और ये यहाँ से टूट के गिर गई थी, इसको अभी हमें यहाँ पे फिट करना है, इसको भी फिट करेंगे और अब हम जाते हैं ड्राइंग रूम। मैं आपको दिखाती हूँ अम्मी के सामान की ऐसे इसकी हालत, अम्मी लाइट ऑन करें, हालत इतनी कोई ख़राब हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। लाइट ऑन करें अम्मी और ऑन करें, तो ये देखें फ्रिज यहाँ पे था, फ्रिज भी बहुत गंदा हो गया था, आज ये हमने सारे देखें जो जो पैकिंग करनी थी वो मैंने करके साइड पे रख दिए सारी। हेलो गाइस आज मैं है मैं बैग और अम्मी ने बोला है आप तुम रख दो इसलिए। अम्मी ने आपको बोला आप रख लें, आपने रख लिया फिर? मनी कितनी है इसमें? 200 500 200 हो गए। तो अम्मी दिखा दे आप अपना सामान सारा, अभी तो ऐसे बनाया है देखें। अब अम्मी को और इसे देख देख के ही रोना आएगा,
क्योंकि अम्मी रह नहीं सकती मेरे बिना, मुझे ये बात अच्छे तरीके से पता है। सबके बिना रह सकती है, मेरे बिना नहीं रह सकती। खैर ये सामान हमने देखें सारा पैक कर दिया, अब जैसे जैसे ये जाना होगा जाएगा। ऐसे बैठे हैं बस, अभी ये सारा बिखरा हुआ है मेरा, इनका ड्राइंग रूम मेरी वजह से खराब हुआ है। कोई बात नहीं, माँ बाप हमारे लिए इतना करते तो हम भी फर्ज है। चले अब चलते किचन में, अपना मूड थोड़ा सा चेंज करते हैं। चले बेल क्यों अम्मी, हर वक्त बेल बंद रखते हैं गाइस, मैंने ऑन कर दी है। अब अम्मी आती हूँ, बोलती हूँ ये लगाए। चले अम्मी अब ये लगाए, उठाए इसे लगाए। चले चले चल के चढ़े देखते हैं कहाँ से लगेगा, दिखाएं पीछे इस तरफ से लगेगा। और मैं गिर गई तो, गिर गई तो अच्छा फिर जाएंगी नहीं। ये देखें गाइस साइकिल लगाई थी इन्होंने इतनी अपने साइज की, इसी में बैठ के कराची जाएंगी। ओ इसी में बैठ के अम्मी जाएंगी। चले अब ये वाली लगाते हैं, लगा दे अम्मी। फिट हो गई, फिट हो गई, हो गई फिट? नहीं नहीं हुई। हो गई? नहीं। अच्छा कील थोड़ी सी ऊपर है, हो गई? नहीं नहीं। तो जैसे ये पहले अम्मी, जैसे ये पहले फिट थी वैसे ही हम लोगों ने दोबारा से फिट कर दिया इसे। यहीं पे ये टूट गई थी लेकिन सुबह ने इसे थोड़ा सा जोड़ दिया है। अब हम चलते किचन में, ये मैडम भी रो रो कर आ गई हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चले अम्मी क्या बोल रही थी? ये कहती है मेरे साथ रहे, मुझे गोद में उठा के रखें। चले ना बाबा अब किचन में चलते, देखते हैं अभी क्या क्या हमने तैयारी की है। आज कुछ खास बनाया नहीं है इतना, आज काम बहुत थे। शायद हालांकि ट्रे में कबाब अम्मी ने बना के रखे हैं, ब्रेड है, मैं तो सैंडविच ही बनाऊंगी और पकाऊंगी। अम्मी रोटी और कबाब खाएंगी। अम्मी अबू रोटी और कबाब खाएंगे। अबू को देखे अभी खाना देते भी हैं या नहीं। हाँ, कबाब बना के आपको दिखाती हूँ गाइस कैसे बने। गाइस यहाँ अम्मी पर्स लेके खड़ी हुई है क्योंकि मैंने इसे बोल दिया था हमें पॉलर जाना है, पॉलर तो हम लोग गए नहीं। अम्मी कबाब फ्राई हो गए, ये काले काले कबाब नहीं दिखाए अम्मी, दिखाए कबाब दिखाए। तो ये हमारे कबाब माशाल्लाह से फ्राई हो गए। अंडा अम्मी ने अंदर ही ऐड कर दिया था और अभी अंडा नेमी के लिए शायद बन रहा है। तो बस गाइज आप लोग ये लोग खाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और अम्मी आप लोग अम्मी को बोलेंगे अम्मी जाना पड़ता है कभी कभी मूव ऑन होने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, तो बस अम्मी भी बढ़ ही जाए तो अच्छी बात है। और बस और क्या बोलना चाहेंगे अम्मी आप अंडा फ्राई करते हुए? कुछ नहीं बोलूंगी। क्या बोले? रोती है, बहुत रोती है। गाइस रोने का भी तरीका कुछ बता दे। मोमल बहुत रोती है, कहती है बड़ी हो गई है, कहती है गोद में ले। देखें अभी भी ये मेरी गोद में ही है। तो बस गाइस खाना वाना खाते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूले, बहुत सारा प्यार दे, दुआओं में याद रखें अबू को, अबू की फैमिली को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज अम्मी अपसेट है। अल्लाह हाफिज़।